أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعت سوم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور محفوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی جی ہمارا سبق ڈاکٹر صاحب سے ایک ملاقات چل رہا تھا ٹھیک ہے یہ ہم پڑھ رہے تھے آج ہم اس کا بقایا حصہ پڑھیں گے ठीक है मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग कीजिए बुलंद फानी कीजिए अपनी किताब पर उंगली रखकर सफा नंबर है 66 ठीक है उंगली रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। तमाम तलबा ने पुरजोश अंदाज में डॉक्टर साहब को सलाम किया और खुशामदीद कहा। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाने के बाद सवालात की इजाजत दी। इजाजत मिलते ही बच्चों ने इंटरव्यू का आगाज कर दिया। अहमद, डॉक्टर साहब बतौर मौलिज आपकी क्या जिम्मेदारी है? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, बतौर मौलिज हमारी जिम्मेदारी है बीमारियों के खिलाफ जंग। जब भी कोई फर्द बीमार होता है हम उसकी बीमारी की तशखीस करते हैं और फिर तशखीस के मुताबिक दवा तजवीज करते हैं। जैद, आपको बीमारी का कैसे पता चलता है? आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, बीमारी का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में कोई ऐसा मसला पैदा हो गया है जिसकी वजह से आपको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तकलीफ मुख्तलिफ अलामतों की सूरत में जाहिर होती हैं। अलामात की मदद से हम अक्सर बीमारी को भांप लेते हैं, मसलन जिस्म में बुखार होना, खांसी नज़ला जुकाम दर्द वगैरह बीमारी को जाहिर करते हैं। अलबत्ता कुछ बीमारियां सिर्फ अलामत की बुनियाद पर पहचानी नहीं जाती। ऐसी सूरत में हम मरीज के मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं ताकि बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सके। डॉक्टर साहब के जवाब के फौरन बाद ही शाहजीब ने अपना सवाल पेश किया। शाहजीब, डॉक्टर साहब टेस्ट के लिए क्या तरीके कार होता है? जी आज के लिए हमारा इतना ही, अब हम होमवर्क की जानिब चलते हैं। जी हमारा होमवर्क है सबक डॉक्टर साहब से एक मुलाकात अच्छी तरह पढ़ें। सरगर्मी नंबर 5 किताब में कीजिए। जी अपनी सरगर्मी नंबर 5 फौरन से खोल लीजिए। क्या है? मुंदरजा ज़ैल गैर मरबूत जुमलों को दोबारा तहरीर करके मरबूत इबारत तहरीर कीजिए। जी गैर मरबूत मतलब जम्बल्स, आगे पीछे वर्ड्स दिए हुए होते हैं उन्हें लाइन से तरतीब बार करके लिखना है। ठीक है, ये आपको किताब में ही करनी है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।